कैसे हो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोटोरोला मोटो E5 एंड E5 प्लस की एंड्रॉयड 9.0 पी अपडेट की। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे मेरे दोस्त रिक्वेस्ट किया था इस अपडेट के बारे में एक नए से वीडियो बनाने के लिए डिटेल्स में। तो फ्रेंड्स, आज हम इसके डिटेल्स में वीडियो बना रहे हैं एंड्रॉयड पी अपडेट के लिए मोटोरोला मोटो E5 एंड E5 प्लस में। तो फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसे बहुत कमेंट आए थे, तो फ्रेंड्स इसी कमेंट के आंसर देने के लिए मैं एक नया अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बनाया मोटोरोला मोटो E5 एंड E5 प्लस के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में एंड्रॉयड पी अपडेट की। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रॉयड पी अपडेट कब तक आएगा या नहीं, या ये अभी होल्ड पे है, अभी पेंडिंग पे है, आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ मोटोरोला की जो ऑफिशियल वेबसाइट www.motorola.in होम पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चेक करके बताऊँगा मोटोरोला E5 एंड E5 प्लस में एंड्रॉयड पी अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये फ़ोन ऑलरेडी एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ बॉक्स आपको मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, कंपनी ने इस डिवाइस को एंड्रॉयड ओरियो के साथ लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए मेरे पास, बहुत सारे दोस्त मेरे को सवाल पूछे मोटोरोला E5 की जो एंड्रॉयड पी अपडेट के बारे में। तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, हम चलते हैं यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम चेक करेंगे एक सॉफ्टवेयर अपडेट मोटोरोला E5 डिवाइस में। सबसे पहले यहाँ पे जाके हमें रिटेल सिलेक्ट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें रिटेल सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही हम चेक कर पाएंगे मोटोरोला E5 एंड E5 प्लस में एंड्रॉयड ओरियो का जो डिटेल्स है। तो फ्रेंड्स, ये डिवाइस, दोनों डिवाइस बहुत ही अच्छा डिवाइस है, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं E5 एंड E5 प्लस दो डिवाइस अभी डिस्प्ले के सामने शो हो चुका है। तो चलिए पहले E5 प्लस देखते हैं। E5 प्लस में आप देख सकते हैं दिस डिवाइस लॉन्च विथ एंड्रॉयड ओरियो। या फ्रेंड्स, एंड्रॉयड पी अपडेट के बारे में इसमें जो ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ कहा नहीं गया है एंड्रॉयड पी अपडेट कब तक आएगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही रिकमेंड करूंगा, आप वेट कीजिए, शायद आ जाए इस डिवाइस में। तो मैंने पिछले मेरे वीडियो में बताया था कौन कौन डिवाइस में एंड्रॉयड 9.0 आना कंफर्म हो चुका है। तो उसी वीडियो में मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आया है E5 के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं E5 प्लस में तो अभी ऐसा कुछ दिया नहीं गया E5 प्लस में। तो फ्रेंड्स, मैं E5 भी आपको दिखा देता हूँ, E5 में भी ऐसा कुछ है या नहीं, या उसमें अपडेट आ रहा है या नहीं। अब E5 प्लस मैंने आपको दिखा दिया, आप दिखा रहा हूँ E5। या फ्रेंड्स, E5 में भी आप देख सकते हैं दिस डिवाइस लॉन्च विथ एंड्रॉयड 8.0 ओरियो। या फ्रेंड्स, इसमें भी एंड्रॉयड 9.0 के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कंपनी की तरफ से। या फ्रेंड्स, इसमें भी कंपनी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया। तो फ्रेंड्स, ये था एंड्रॉयड पी की जो ऑफिशियली न्यूज, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में।